और अब बात यूपी की खबरों की। संभल से खबर है। संभल में एक ही परिवार के तीन मासूमों की गड्ढे भरे पानी में डूबकर मौत, हजरतनगर गढ़ी थाना क्षेत्र की घटना। गाजियाबाद पुलिस ने दो साइबर ठगों को गिरफ्तार किया, 15,000 लोगों से 50 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी। सीतापुर में होटल संचालक को गोली मारकर भाग रहे गुंडों की पुलिस से मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली। जालौन में यमुना उफान पर स्टेट हाईवे पर भरा पानी, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। जालौन में तेजी से बढ़ रहा है यमुना नदी का जलस्तर, कई गांवों में घुसा यमुना का पानी। औरैया में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार, डीएम और एसपी ने लिया प्रभावित गांवों का जायजा। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाके में पानी भरा, प्रशासन अलर्ट पर। हमीरपुर में उफान पर यमुना और बेतवा नदी, कई गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। आगरा में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है यमुना और चंबल नदी, अलर्ट मोड पर प्रशासन। यूपी में थमी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 34 नए मामले सामने आए, एक्टिव केसेस में गिरावट। कैराना में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने की मिली तालिबानी सजा, दो युवकों पर जमकर बरसाई गई लाठियां, युवती को भी डंडों से पीटा। शाहजहानपुर में एम्बुलेंस से शराब की तस्करी करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, अंग्रेजी शराब के करीब 70 पीठियां बरामद। मथुरा में आरएलडी ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जिला मुख्यालय पर किया धरना प्रदर्शन, प्रशासन ने नहीं दी थी धरने की इजाजत। बांदा में बुंदेलखंड किसान यूनियन ने एक दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन के तहत दिया धरना, हर घर नल योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कुशीनगर में चलती कार में अचानक लगी आग, थोड़ी देर में जलकर हुई राख। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हरदोई का दौरा किया, कई कार्यक्रमों में शिरकत की। लखीमपुर खीरी में बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का बड़ा बयान, कहा यूपी चुनाव में किसी से नहीं करेंगे गठबंधन। एटा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में मजदूरी मांगने पर दिव्यांग को पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उन्नाव के जिला महिला अस्पताल में एक महिला ने दलाल की पिटाई की, अब मरीजों को निजी अस्पताल ले जाने के लिए वो कह रहा था। उन्नाव में 10वीं की छात्रा की मौत, फीस जमा नहीं करने पर स्कूल प्रबंधन पर प्रताड़ना का आरोप। हापुड़ में पशु को अवैध रूप से काटते 2 लोग गिरफ्तार, आरोपियों के पास से मांस समेत कई चीजें बरामद। बहराइच में करीब 5 करोड़ की अवैध स्मैक बरामद, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। महोबा में पति पत्नी ने सरकारी बाबू को थप्पड़ और चप्पलों से पिटाई की, बाबू पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। मैनपुरी में लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो हुआ वायरल, सस्पेंड किया गया। ग्रेटर नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, पुलिस ने 32 लोगों को गिरफ्तार किया, अमेरिका के नागरिकों को ये ठगते थे। अमरोहा में प्रेमी ने प्रेमिका को मारी गोली, जख्मी लड़की अस्पताल में भर्ती, पुलिस की हिरासत में आरोपी। कानपुर देहात में चलते ट्रक में लगी आग, ड्राइवर समेत दूसरे सवार लोग ट्रक छोड़कर भागे, शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा हुआ। कासगंज में पुलिस को बड़ी सफलता, 2 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार, 34 किलो गांजा बरामद। बुलंदशहर में पुलिस की मिली भगत से अवैध रूप से काटे जा रहे हरे पेड़, आरा मशीन पर पुलिस कांस्टेबल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। सहारनपुर की ग्लोकल यूनिवर्सिटी में घुसे तेंदुए के 2 बच्चे, यूनिवर्सिटी में दहशत का माहौल, जारी किया गया अलर्ट। बस्ती में राशन बांटने के दौरान मारपिटाई में बीच बचाव करते समय घायल युवक की मौत, परिजनों ने शव जलाने से इंकार किया, पुलिस के आश्वासन के बाद राजी हुए। इटावा में कलेक्ट्रेट के कोर्ट परिसर में अज्ञात बदमाशों ने की फायरिंग, बाल बाल बचे वकील, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। कानपुर में गंगा नदी में पुल से कूदकर स्टंट करते नजर आए युवा, वीडियो वायरल। हरदोई देहात में प्रधान की दबंग गई, चकबंदी प्रक्रिया की बैठक में असलहे के साथ पहुंचे समर्थक।
बीजेपी सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने पूरे यूपी में निकाली साइकिल रैली, अखिलेश यादव ने लखनऊ में चलाई साइकिल। जौनपुर में एसपी की साइकिल रैली के दौरान लगा लंबा जाम, आम लोगों को परेशानियों का सामना करना। चंदौली में समाजवादी पार्टी की साइकिल रैली के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में जमकर नोकझोंक हुई, जिसके बाद जिला कोर्ट परिसर के सामने रैली रोकी गई। वाराणसी में हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय के घर मनाया गया जश्न। भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में जीता है कोई भी मेडल। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के एक साल पूरे होने पर साधु संतों ने मनाई खुशियां, जलाए गए दिए।